So let's solve question number 3 now. An electric bulb is rated 220 volts and 100 watts. आपको बल्ब की रेटिंग दी हुई है 220 volts, 100 watts पे चलती है. When it is operated on 110 volts, the power consumed will be, मतलब आपको पावर ढूंढना है जब वो 110 volts पे वर्क कर रहा हो, तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए. तो ये अगर आपको V और P पता है तो R मिल जाएगा. कैसे? P equal to V square by R. तो R क्या हो जाएगा, इसमें से R क्या मिल जाएगा, V square by P. तो आप V square डालो 220 whole square by 100. तो आप ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको रेसिस्टेंस वैल्यू आ जाएगा समथिंग अराउंड 484 ohms. ठीक है, अब जब रेसिस्टेंस मिल गया तो आप ये ढूंढ सकते हैं पावर एट 110 volts कितना होगा, P equal to V square by R. यहाँ पे V कितना है, 110 लेना है आपको, और रेसिस्टेंस क्या लेंगे आप, 484. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 वॉट्स आएगा पावर. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट. पावर के फॉर्मूलाज हमें पता है, P इक्वल टू वी आई है, या फिर वो आई स्क्वायर आर होगा, या फिर वो वी स्क्वायर बाय आर होगा. इन तीनों के अलावा अगर इसमें कोई फॉर्मूला दिया है वो है आई आर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है. ठीक है, अब फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन और चैप्टर एंड का हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन होगा. सो दैट इज, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस आर है, इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया है. ठीक है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट किया, ये पार्ट ये सारे इक्वल है. ये पार्ट का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R by 5 हो जाएगा. ये पार्ट का रेसिस्टेंस R by 5 हो जाएगा, ये भी R by 5 होगा, ये भी R by 5 और ये भी R by 5 होगा. ठीक है, अब बोला है दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. अब इन सब सारी चीजों को पैरेलली कनेक्ट किया है, और अगर इक्वल इन रेसिस्टेंस, अगर पैरेलली कनेक्ट किया है और अगर वो रेसिस्टेंस R डैश है, जब पैरेलली कनेक्ट किया जाता है इनको, तो आपको रेशियो ढूंढना है, R by R डैश का रेशियो ढूंढना. तो ये कैसे करेंगे, 1 by R dash आपको पैरेलली सॉल्व करना है. 1 by R dash is equal to 1 by R by 5 plus 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 1 by R by 5. तो ये हो जाएगा 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 by R. ये क्या है, 1 by R dash. So 1 by R dash is equal to 25 by R. हमें रेशियो क्या चाहिए, R by R dash का, तो R को शिफ्ट कर लो, तो R by R dash becomes 25. So this will be the answer. Option D. So this completes chapter and exercise question discussion. आपको कुछ extra questions दिया जाएगा after this. Do solve that and clear your doubts.